ये कहानी इंसान की उस फितरत के बारे में है जो उसे हमेशा गरीब और गुलाम बनाए रखती है। एक नौकर उस मुर्गे की तरह होता है जो पिंजरे में बंद अपने दोस्तों को हलाल होते देखता है। वो जानता है कि अगला नंबर उसी का है, लेकिन वो पिंजरे से भागने की कोशिश कभी नहीं करता है। उसने अपना हसर कबूल कर लिया है, पर कभी कभी ऐसा होता है जो सदियों में नहीं हुआ। कई पीढ़ियों में एक बार व्हाइट टाइगर जन्म लेता है, फिर वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। भारत के एक उभरते बिजनेसमैन ने चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ को खत लिखा है, जो फिलहाल भारत के दौरे पर है। इस खत में उसने अपने नौकर से मालिक बनने की कहानी लिखी है और चीन के प्रधानमंत्री से मिलकर बिजनेस की बात करने का वक्त मांगा है। भारत एक देश में दो दुनिया है, एक उजाले की और एक अंधेरे की। ये कहानी बिहार के एक गांव लक्ष्मणगढ़ से शुरू होती है जो अंधेरे में कहीं गुम है। बलराम हलवाई पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। एक दिन स्कूल में कोई सरकारी अधिकारी आए। जब अंग्रेजी पढ़वाई गई तो बलराम ने ही सबसे अच्छी अंग्रेजी पढ़ी। बलराम को स्कॉलरशिप मिला, दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा का ऑफर। लेकिन तब शायद बलराम के लिए दिल्ली दूर थी। किस्मत में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं लिखा था। उसके गांव में एक जमींदार है, गांव वाले उसे सारस कहते हैं। बड़ी धौंस है उसकी, सबको अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा उसे देना पड़ता है। उसका बड़ा बेटा मुकेश तो और भी खतरनाक है, पूरा गांव उससे खौफ खाता है, सब उसे नेवला कहते हैं। बलराम के पिता पर जमींदार का कर्ज चढ़ा है, इसलिए बलराम को भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने भाई किशन के साथ चाय की एक टपरी में काम करना पड़ेगा। एक तरफ जमींदार और दूसरी तरफ उसकी दादी, दोनों को अच्छे से पता है कि किसी का खून कैसे चूसा जाता है। पूरे परिवार की कमाई पहले दादी के पास जाती है, फिर दादी ये तय करती है कि पैसे किस पर कैसे और कहाँ खर्च करने हैं। बलराम के पिता रिक्शा खींचते हैं। जैसे गरीबी और कर्ज काफी नहीं था, उसे एक बीमारी लग गई। बलराम के पिता को टीवी हो गया। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। हाँ, दूसरे गांव में अस्पताल तो था, लेकिन वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। आखिर में होना क्या था? वही हुआ जो हर गरीब के साथ होता है। बलराम के पिता की बेमौत मौत हो गई। एक बार के लिए लगा कि अब सब खत्म हो गया है, बलराम के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। समय गुजरता गया पर बलराम की किस्मत वहीं के वहीं फंसी रही। वो बड़ा हो गया पर अब भी उसी चाय की टपरी में काम करता है। एक दिन उसने गांव में जमींदार के छोटे बेटे अशोक को देखा, जो अभी अभी अमेरिका से पढ़कर लौटा था। उसे देखते ही बलराम ने उसे अपना मालिक चुन लिया था। बलराम के कान हमेशा खुले रहते हैं। उसने सुना था कि अशोक के लिए जमींदार एक ड्राइवर की तलाश में है। आखिर ये मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता, इसलिए दादी से कुछ पैसे मांगता है ताकि धनबाद जाकर ड्राइविंग सीख सके। वो दादी को बातों में उलझाता है कि अगर वो बड़ा आदमी बना तो इसमें उसी का फायदा है, वो गांव में राज करेगी। दादी ने भी इस वादे के साथ कि वो अपनी कमाई की एक एक पाई उसे ही गांव में भेजा करेगा, बलराम को धनबाद जाने दिया। बलराम को ड्राइविंग सीखने धनबाद ही जाना था, क्योंकि यही अब उसके होने वाले मालिक अशोक सर का घर है। सारस और उसका बड़ा बेटा नेवला धनबाद के बड़े कोयला माफिया हैं, कहे तो इस धंधे के बेताज बादशाह। लीगल इलीगल खनन सब उन्हीं के परस्तों पर है। उन पर राज्य की दलित नेता देवी जी की खास कृपा है। ड्राइविंग सीखने के बाद एक दिन वो सीधे सारस के बंगले में चला गया। ऐसा दिखावा किया कि वो यूं ही काम की तलाश में घर घर भटक रहा था और अनजाने में यहाँ टपक गया है। हनुमान जी का आशीर्वाद ये रहा कि उसी के गांव के माई बाप यहाँ भी उसे मिल गए, सबसे सच्चे और अच्छे जमींदार, बिल्कुल गांधी जी की तरह। पर यहाँ नौकरी पाना इतना भी आसान नहीं था। नेवले ने उसके ड्राइविंग का अच्छे से टेस्ट लिया, फिर धर्म पूछा गया, कहीं मुसलमान तो नहीं, फिर जात पूछी गई, नीची जात है पर कितना नीचा, फिर पूरी कुंडली निकाली गई, गांव में किस परिवार से है, घर में कितने लोग हैं, अगर नौकर मालिक की कोई चीज चुरा कर भागेगा तो इसकी भरपाई परिवार को ही करनी होगी। आखिरकार नौकरी तय हो गई। अब वो ड्राइवर नंबर दो है, नौकर भी तो दूसरे दर्जे का। वहां काम करते हुए बलराम ने मालिक से लेकर दूसरे नौकरों पर भी तीखी नजर रखनी शुरू कर दी, खासकर ड्राइवर नंबर एक पर। ड्राइवर नंबर एक राम प्रसाद के साथ कुछ तो गड़बड़ था। वो सबके साथ खाना नहीं खाता है, कुछ दिनों से सबसे अलग अलग रहता है। एक सफल बिजनेसमैन वही है जो अपने विरोधी की कमजोरी का पता लगा ले। बलराम ने भी ऐसा ही किया। उसने एक दिन राम प्रसाद का पीछा किया, उसके तो होश ही फाकता हो गए। राम प्रसाद मुसलमान निकला।
भला ड्राइवर नंबर एक सबके साथ खा पी कैसे सकता था। रमजान जो चल रहा है, बेचारा रोजे के चक्कर में पकड़ा गया। कितनी बेबस जिंदगी है जहां बस नौकर बनने के लिए अपना नाम और मजहब छुपाना पड़ता है। एक दिन देवी जी राज्य के सत्ताधारी दल के लीडर सारस से मिलने उसके बंगले पहुंची। चुनाव नजदीक है, नेताजी को पैसे चाहिए। बड़े गुस्से में भी है, नेताजी ने सब पर गालियों की बरसात कर दी। अगर पैसे नहीं दिए तो खदानों से कोयला निकालना सब बंद। बड़ी मुश्किल हो गई। नेवले ने प्लान बनाया कि इसे पैसे क्यों दें, इस बार तो हवा उल्टी चल रही है, ये चुनाव हारने वाली है। दिल्ली चलते हैं, विपक्ष को पैसे खिलाएंगे। उन्हें आपस में बात करते बलराम बाहर से देख रहा था। वो अपने असली मालिक अशोक सर की पत्नी पिंकी मैडम से बड़ा इंप्रेस है। उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से, जैसे रिवाजों से उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं हो। नेवले से भी बहस कर रही है। दिल्ली जाने के लिए जब उन्होंने ड्राइवर नंबर एक को कुछ बोनस पैसे दिए तो जैसे बलराम का खून खौल उठा। उसने राम प्रसाद को ब्लैकमेल किया कि उसे उसके मुसलमान होने की बात बखूबी पता है, अगर वो दिल्ली गया तो राज सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद उसने अपने मालिक को दिल्ली ले जाने के लिए अपना प्रोग्राम सेट कर लिया। जब वे दिल्ली पहुंचे, ऊंची ऊंची इमारतें देखकर बलराम का दिमाग ही घूम गया। एकदम अलग दुनिया। वे एक होटल में रुके थे, बेसमेंट में जहां गाड़ी पार्क होती है। यहां सारे मालिकों के ड्राइवर रहा करते हैं। इसके बाद अगले कई दिनों तक वे दिल्ली में अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, पैसे खिलाते रहे, कभी किसी पार्टी का मुख्यालय तो कभी राष्ट्रपति भवन। कुछ दिनों बाद नेवला दिल्ली से वापस धनबाद लौट गया। इसके बाद दिल्ली में बलराम के साथ उसके असली मालिक अशोक सर और उसकी पत्नी रह गए। बलराम को पूरा भरोसा है कि अब वो अशोक सर का भरोसा आसानी से जीत लेगा। वे लक्ष्मणगढ़ में उसे मेमना बुलाते थे। अक्सर दूसरे नौकर अपने मालिकों की बुराई करते हैं, पर बलराम ऐसा हरगिज नहीं है। वो तो किसी कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। उसने ठान लिया है कि मालिक की सेवा करना ही उसका धर्म है। कुछ दिनों बाद वे अशोक के चाचा से मिलने लक्ष्मणगढ़ लौटते हैं। बलराम भी अपने गांव लौटने से बड़ा खुश है। सोचा था कि उसके घर वाले भी उसे देखकर बड़ा खुश होंगे, लेकिन उसकी दादी तो केवल उसके भेजे पैसों से मतलब रखती है। उसने बलराम को फंसाने के लिए उसकी शादी भी तय कर दी है, लड़की भी देख ली है, ताकि बलराम महीने के महीने पैसे समय पर भेजा करे। शादी का नाम सुनते ही बलराम का दिमाग खराब हो गया। वो खाना अधूरा छोड़कर वहां से भाग निकला। जब वे वापस दिल्ली लौट रहे थे, अशोक ने उसे बताया कि वो अपने पिता की तरह कोयला का कारोबार नहीं करना चाहता है, वो तो बेंगलोर में फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करेगा। आजकल जमाना आउटसोर्सिंग का है। दिल्ली लौटने के बाद पिंकी ने उसे एक दिन उसके गंदे रहने के लिए डांट दिया। यहाँ वहां खुजाना, गंदे कपड़े, गंदे दांतों के लिए टोक दिया। किसी ने उसे ये सब कभी नहीं सिखाया। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है। बलराम इतना शर्मिंदा था कि फिर क्या। उसी शाम उसने बाजार से खुजली दूर करने वाला पाउडर, अच्छे कपड़े और टूथब्रश खरीद लिए। पिंकी का उस पर बड़ा असर है। पिंकी ने उसे बताया कि वो भी उसी की तरह एक गरीब परिवार से थी, दूसरी कास्ट से। उसकी माँ अमेरिका में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसने पढ़ाई के जरिए खुद को इस दलदल से निकाला। अब वो पेशे से एक डॉक्टर है। पिंकी पूछती है कि तुमने क्या सोचा है, क्या जिंदगी भर यही काम करना है। पर जैसे बलराम के लिए अपने सर और मैडम की सेवा करना ही धर्म है, उसे इसके अलावे कुछ सूझता ही नहीं है। सदियों से की गई गुलामी की लत इतनी आसानी से छूटेगी भला। कुछ दिनों बाद पिंकी का जन्मदिन था। सेलिब्रेशन के नाम पर अशोक और पिंकी ने एक बार में जाकर खूब शराब पी। फिर पिंकी ने जिद की कि आज गाड़ी वो चलाएगी। बलराम अपने मालिक की बात नहीं टाल सकता था, सो उसने पिंकी को स्टीयरिंग थमा दी। वो नशे में इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि गाड़ी पर से उसका कंट्रोल चला गया। उसने सड़क पर सामान बेचने वाली एक बच्ची को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहीं पर उस बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने वही किया जो हर भारतीय करता है, वे चुपचाप वहां से निकल गए। अगले दिन जब बलराम अशोक के कमरे में आया तो देखता है कि नेवला और सारस भी वहां मौजूद हैं। आज नेवले का बर्ताव इतना अलग क्यों है? उसने नेवले को उससे इतना मीठा बात करते पहले नहीं देखा था। आज तो वो उसे अपना भाई कह रहा है। सारस ने उसे अपने बिल्कुल बगल में सोफे पर बिठाया। नेवले ने खाने के लिए खुद अपने हाथों से पान भी दिया। वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे बलराम उन्हीं के परिवार का सदस्य हो। पर अशोक किसी कोने में सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है।
असल में सारा आरोप बलराम के सर पर आने वाला था। नेवले ने एक कबूलनामा बलराम के हाथ में थमा दिया, जिसमें लिखा है कि उसी ने रात में बच्ची को कुचला है, सारी जिम्मेदारी उसी की है। ये पढ़कर बलराम की हवाइयां उड़ गई, लगा जैसे किसी ने पीठ पर खंजर भोंक दिया है। अशोक सर, ये आपने क्या किया? वो बलराम से नजर नहीं मिला पा रहा था। बलराम के पास इसके अलावे भी कई विकल्प थे। वो चाहता तो कबूलनामे पर साइन करने से मना कर सकता था, या ऐसा करने की कीमत मांग सकता था, पर उसने इसे नौकर का धर्म समझा। अगर कोई बच्ची की मौत रिपोर्ट करता है और गाड़ी का पता चल जाता है, तब ये कबूलनामा काम आएगा। अशोक और पिंकी तक मामला नहीं पहुंचना चाहिए। पिंकी बड़े टेंशन में है। एक तो उसने एक बच्ची को कुचलकर मार दिया, ऊपर से सारा आरोप बलराम के सर मर दिया। इधर दूसरी तरफ अशोक है, जो वापस अमेरिका लौटने की बात ही नहीं कर रहा है, जैसे उसे यहाँ अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में मन लग गया हो, उसे ये नरक पसंद आ गया हो। वो अपने आउटसोर्सिंग के काम पर भी फोकस नहीं कर रहा है। एक दिन पिंकी बिना किसी को बताए अमेरिका लौट गई। जाते हुए उसने बलराम को 9300 रुपये थमा दिए। क्या बलराम के किए की कीमत बस इतनी है? और 9300 ही क्यों, पूरे 10,000 क्यों नहीं? क्या पता शुरू में पूरे 10,000 रखे हों, फिर 700 निकाल लिए। क्या अमीर लोग भी ऐसा सोचते हैं? नहीं, पर यह थोड़ा अजीब तो था। जब पिंकी के जाने की खबर अशोक को लगी, तो वो बेसुध हो गया। 2 दिनों तक अपने कमरे में बंद शराब पीता रहा। तब बलराम ही था जिसने किसी माँ की तरह उसकी सेवा की, उसके लिए खाना बनाया, शराब पीने से रोका, उसे मोटिवेट किया। पर यह सब अब किसी काम का नहीं। अशोक प्यार में निकम्मा हो गया है। उसमें अब वो मालिक वाली बात जाती रही। अब तो उसे दिल से सर कहने का मन भी नहीं करता है। धीरे धीरे बलराम ने भी मेमने का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो बेखौफ अशोक के शराब गटक जाता है। गाड़ी से तेल चुराने और पैसेंजर ढोने की भी हिमाकत उसने शुरू कर दी है। शराब में धुत मालिक को ये सब थोड़ी पता चलेगा। कभी कभी अशोक उससे कहता है कि वो उसी की तरह आम इंसान बनना चाहता है। बड़ी विडंबना है, बलराम की चाहत इसके ठीक उलट है। वो तो मालिकों की जिंदगी चाहता है। आजकल जितने भी समय वो अशोक के साथ रहता, अशोक केवल पिंकी की ही बातें करता। उसने बेंगलोर जाने और वहाँ आउटसोर्सिंग का बिजनेस सेट करने का पूरा प्लान भुला दिया है। अशोक का गम और बढ़ गया जब पिंकी ने उसे डिवोर्स के कागज भेजे। एक दिन बलराम ने अशोक और नेवले को आपस में बातें करते देखा। उसे लगा कि वे उसके रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। एक नौकर के लिए खुद के रिप्लेसमेंट की बात सुनना सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला होता है। वो मालिक जिसे उसने अपना सब कुछ दिया, जिंदगी भी दांव पर लगा दी, इंसान मार देने का गुनाह तक सर पर ले लिया, निकम्मे मालिक उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। वे नौकर की वफादारी के काबिल ही नहीं है। इधर अब भी अशोक और उसका परिवार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को खुश करने में लगे हैं। समय समय पर उन्हें पैसा खिलाया करते हैं। एक लाल बैग है जिसमें पैसे भरे रहते हैं। बलराम चाहता तो अपने मालिक से पैसे चुरा कर भाग सकता था, वो ऐसा भला क्यों नहीं कर सकता है? वफादारी बहुत हो गई, अब तो ये ख्याल भी आने लगे थे उसके दिमाग में। लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाता है कि अगर वो पैसे लेकर भागे तो सारस उसके परिवार के साथ क्या क्या करेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर चुनाव के रिजल्ट आ गए और देवी जी की पार्टी फिर से जीत गई। वे जिसे पैसे खिला रहे थे चुनाव हार गए। विपक्ष को सत्ता नसीब नहीं हुई। उनके विपक्ष को पैसे खिलाने की बात देवी जी को भी पता थी। देवी जी ने उन्हें धमकाया कि जितना पैसा वे विपक्ष को खिला रहे थे, अब उसका 4 गुना पार्टी फंड में देना होगा, नहीं तो कोयले का धंधा भूल जाओ। गाड़ी चलाते हुए ये सब बलराम भी सुन रहा था। 4 गुना पैसे, उसके पास यही एक मौका है। अगर वो हिम्मत करे तो अमीर बन सकता है। ऐसे भी उसका परिवार तो मतलब ही है। उसने अब तक उनकी बहुत चिंता कर ली, अब उसे केवल अपने बारे में सोचना था। एक दिन वो अपने भांजे के साथ जू घूमने गया। वहां उसने एक सफेद बाघ देखा, एक वाइट टाइगर, जो कई पीढ़ियों में केवल एक बार जन्म लेता है। बलराम भी एक वाइट टाइगर है, कई पीढ़ियों में केवल एक ऐसा जो अपनी तकदीर खुद लिखे। वो रात आ ही गई जब अशोक और बलराम देवी जी को पैसा पहुंचाने जा रहे थे। बैग भरकर नोटों की गड्डी थी। बलराम ने अचानक रास्ते में ही गाड़ी रोक दी और बहाने से अशोक को गाड़ी से नीचे उतरवा दिया। उसने अशोक के गले पर एक टूटी कांच की बोतल से हमला कर दिया।
उसने अशोक के गले में इतनी बार बोतल का टुकड़ा घुसाया कि अशोक की वहीं पर मौत हो गई। बलराम ने बैग उठाया और अपने भांजे के साथ वहां से ट्रेन पकड़कर बैंगलोर भाग गया, वहां जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये वही जगह है जिसके बारे में उसने अशोक के मुंह से कई बार सुना था। यहां उसने कैब सर्विसेज शुरू की और कंपटीशन हटाने के लिए पुलिस को पैसे खिलाए। कंपटीशन हटाने का ये ट्रिक उसने अपने पुराने मालिकों से सीखा था। पुलिस ने एक्सपायर लाइसेंस के नाम पर पुराने कैब ड्राइवर्स का बिजनेस बंद कर दिया। इससे बलराम के लिए कंपटीशन खत्म हो गया। देखते ही देखते उसने बिजनेस में पकड़ मजबूत कर ली। अब उसके पास उस पैसे से भी 15 गुना ज्यादा पैसा है जितना वह अशोक को मार कर उससे ले भागा था। अब वो बड़ा उद्यमी है और अपने मालिक से उलट अपने नौकरों के साथ कोई धोखा नहीं करता है और ना ही अपनी गलती किसी और पर थोपता है। अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। वो हरजाना और पीड़ित परिवार को नौकरी भी देता है। अब तो वो रियल इस्टेट में भी हाथ आजमाने लगा है। बलराम इतना बड़ा हो गया है कि चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से पर्सनली मिलने का समय भी ले लिया। एक और उसके पुराने मालिक थे जो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए, उन्हें इसकी कोई कदर नहीं थी। अशोक में वो जुनून नहीं था, वो सही बिजनेस प्लान का इंतजार करता रह गया, जबकि बलराम में जुनून भरा पड़ा था। ना तो शिक्षा थी और ना ही किसी बात का अनुभव था, पर हाँ एक जज्बा था नौकर से मालिक बनने का। उसने सही या गलत तरीके से वो सब हासिल कर लिया जो वो चाहता था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।